नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पांच की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज पांच की आंच में बताएंगे कि भोपाल में कौन दिवाली पर कर रहा है हिंदू मुसलमान। वो पोस्टर दिखाएंगे जिस पर छिड़ा है सियासी घमासान। एमपी में लापरवाह अधिकारियों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेहद सख्त हो गए हैं। और सीएम ने 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया है और चेतावनी भी दी है। बताएंगे आखिर कहां पुलिस को चकमा देकर कैदी हो गया फरार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नया मिशन आखिर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और पीएम मोदी ने देश को दिवाली पर क्या गिफ्ट दिया, ये भी जानेंगे। और दिवाली पर देश भर के बाजारों में रौनक है। दुकानें तरह तरह की चीजों से सजी हुई नजर आ रही हैं। भोपाल में जो लोग मार्केट जा रहे हैं उनकी नजर एक पोस्टर पर जा रही है। ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए। पोस्टर पर लिखा है हिंदुओं के त्योहार पर हिंदुओं से व्यवहार करें। ये भी लिखा है कि दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। इस पोस्टर पर घमासान छिड़ गया है। पूछा जा रहा है कि क्या दिवाली पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कांग्रेस को पोस्टर पर एतराज है तो बीजेपी इस अपील को सही ठहरा रही है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर ये संदेश लिखे हैं। ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए हैं। इन्होंने आह्वान किया है कि हिंदुओं के त्योहार पर हिंदुओं से व्यवहार करें। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि दीपावली हर सनातनी का बड़ा त्योहार है और हर हिंदू के घर दीपावली मने इसके लिए उनसे ही सामान खरीदे। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। बजरंग दल के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने अपील को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। ऐसे में सामाजिक संगठनों से इस तरह की अपील आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन के विरुद्ध खड़े रहने वालों और बोलने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़े रहती है। 30 त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। तो अब दीपावली पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हिंदू परिषद और बजरंग दल की अपील पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस जहां पोस्टर पर एतराज जता रही है तो बीजेपी कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और भोपाल में समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सीएम ने शिकायत के बाद 11 अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। रायसेन में एक व्यक्ति ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी जिस पर सीएम ने बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, खंडवा में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की शिकायत पर सीएम ने SDOP TI को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसी के साथ ही समय पर छात्रवृत्ति न बांटने पर सीएम ने अशोक नगर कलेक्टर को भी फटकार लगाई है। समीक्षा बैठक में अलीराजपुर कलेक्टर भी फटकारे गए हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए और महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात में सरकार उनके साथ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला और महंगाई भत्ता का तो हम सरकार उनके साथ है, उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ है, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है, जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगा। जबलपुर से दहेज प्रताड़ना और हत्या का विचाराधीन कैदी कटनी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। कटनी जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी को सीने में दर्द होने के चलते जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। बता दें यहाँ पर लगातार प्लेटलेट्स जो है गिरने के चलते उसे पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल रेफर किया गया। इसी दौरान आरोपी भाग निकला। जिला जेल में एक संतु निषाद करके आरोपी था, जो कि 304B और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत बंद था। उसको बीमार होने के पश्चात जो है उसको कटनी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कहीं शौच के लिए गया होगा और इसके बाद जो है वो वहाँ से फरार हो गया है। तो इस संबंध में जो है पुलिस के द्वारा प्रधान आरक्षक जो गार्ड कमांडर थे दिनेश रजक और उनके साथ अन्य 3 लोग जो थे गार्ड के रूप में, उन सभी को निलंबित कर दिया गया। देखिए आरोपी की तलाश जो है लगातार कटनी पुलिस द्वारा जो है उसके परिजनों में और उसके बाकी जो भी टेक्निकल टीम हमारी वो सारी लगी हुई है। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक नए मिशन पर हैं। बाबा यूं तो अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने समाज से जाति पाति और ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रण लिया है और इसी के लिए वो गांव गांव भी जा रखे हैं, लोगों को संकल्प दिला रखे हैं। देश में मंदिरों की जमीनों पर गुरुकुल और गौशाला बनाने की अपील भी उनके द्वारा की जा रही है। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नया प्रण लिया है, समाज से जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रण। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो गांव गांव जाएंगे, सभी को गले लगाएंगे, एकता की अलख जगाएंगे। पिछड़े और पिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआ छूत को हटाने के लिए भारत के गाँव गाँव में जाएंगे, गली गली में लोगों लोगों के पास जा करके, लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने संकल्प के तहत छतरपुर में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने वनवासी समाज के छात्रों और आदिवासियों से मुलाकात की, सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। बटोरी गाँव में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बाबा ने ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाए। आज हमने गांव में 3 संकल्प दिलाए हैं। पटोरी गांव के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में आकर के 3 संकल्प दिलाए हैं। पहला संकल्प हमने दिलाया है कि गांव के प्रत्येक युवा वर्ग और व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को जात पात ऊंच नीच छोड़कर मंगल शनिवार को मंदिरों में बैठना प्रारंभ करना है। दूसरा संकल्प हमने दिलाया है कि ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए जो हिंदू एकता की पदयात्रा 21 नवंबर से 30 नवंबर तक है, उसमें सब लोगों को जुड़े एकजुटता के साथ जुड़ना है। तीसरा संकल्प दिलाया है माताओं को कि आप लोगों को अपने पतियों को, परिवारजनों को अगर व्यसन से बचाना है, नशा से बचाना है, तो आपको नारायणी सेना गाँव में बनानी पड़ेगी और मदिरा बेचने वालों के दरवाजों पर नारायणी सेना खड़ी होकर ललकारेगी। इस दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देश के बड़े मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला खोलने की अपील भी की। हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दें, शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा, गौ माता भी सुरक्षित रहेगी।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने निकले हैं। इतना ही नहीं, गुरुकुल और गौशाला शुरू करने की अपील भी कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की है और इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दे दिया है और इसमें बुजुर्गों को शामिल भी किया गया है। पीएम मोदी ने सीनियर सिटीजन को आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड भी सौंप दिया है और इस मौके पर पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बंगाल की सरकारों ने आयुष्मान योजना लागू नहीं की और इन दोनों राज्यों के बुजुर्गों को योजना का लाभ नहीं मिला। हरियाणा से श्रीमती फूला। दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम मोदी ने नीमच, मंदसौर और सिवनी में बने मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ है तो वहीं रायपुर में नेचुरोपैथी अस्पताल का शिलान्यास हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया और इसी मौके पर सीएम साय, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। महत्वपूर्ण अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सौगात आज सौंपने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज देश के अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ साथ आज पीएमजेएवाई के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी कर रहे हैं।